प्राइस पॉइंट देखो तो 199 रुपीज। आई मीन आर यू किडिंग मी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रॉकिंग विशेस। मैं हूँ प्रियंका और वेलकम टू दिस चैनल वेयर वी टॉक अबाउट फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे अफोर्डेबल मेकअप ऑप्शंस, क्योंकि आजकल मेकअप ज़्यादा ट्रेंड में है और हर लड़की मेकअप करना चाहती है बिकॉज ऑफ़ द इन्फ्लुएंसेस एंड इंस्टाग्राम थिंग। तो सबको मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन इनिशियली ज़्यादातर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते मेकअप में। तो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस मेकअप के, जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर जो बिगिनर्स हैं मेकअप के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लिटिल बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड आज का जो ये मेकअप है, ये मैंने इसका ट्यूटोरियल अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो गो चेकआउट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड वहाँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइक आई हैव जस्ट स्टार्टेड आउटफिट ऑफ द डे सीरीज ऑन माई इंस्टाग्राम, सो गो चेकआउट दैट सो दैट आई कैन हेल्प यू विद रिलेटेबल फैशन दैट एवरी गर्ल कैन लाइक ट्राई इन एवरी डे लाइफ। सो नाउ जस्ट विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, तो मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन और यू नो मेकअप के बीच में एक लेयर बनानी चाहिए, विच हेल्प्स टू लाइक प्रिजर्व योर स्किन और ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। और प्लस मेकअप को ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए आपको एक मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है अपनी स्किन पे। तो जैसे कि आई एम फ्रॉम द ड्राई स्किन टाइप, तो द बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन जो मुझे मिला मॉइस्चराइजेशन के लिए वो है ये पॉन्स का सुपर लाइट जेल, विच इज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन। तो दिस इज़ द लाइक मॉइस्चराइजर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट और लाइक लाइट टेक्सचर है इसका, जेल कंसिस्टेंसी है और ये अभी तक हाफ भी नहीं हुआ है और मैं इसको ऑलमोस्ट एवरी डे यूज़ कर रही हूँ। तो यू गाइज कैन ट्राई दिस ऑप्शन। ऑल्सो इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड नायका पे वैलेंटाइंस डे की कुछ सेल चल रही है, तो यू गाइज कैन ऑलवेज चेक आउट देयर। फाउंडेशन अच्छे से ग्लाइड करे ताकि स्किन पे, इसलिए हमें एक प्राइमर की जरूरत होती है। तो फॉर द अफोर्डेबल प्राइमर ऑप्शन मेरे पास है ये इनसाइट का प्राइमर 3-in-1। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री एंड इट प्राइम्स प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेज योर स्किन, और ये है 240 रुपीज़ का एंड इट इज़ सच अ नाइस प्राइमर। मैंने आज इसको ही यूज़ किया है एंड बहुत ही सिलिकॉन काइंड ऑफ अ टेक्स्चर है इस प्राइमर का, तो यू गाइज कैन डेफिनेटली चेक आउट। नेक्स्ट कम्स अ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज मेबिलीन्स फिट मी, एंड इट इज़ मैट पोरलेस फाउंडेशन फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टोन, बट मेरी ड्राई स्किन है एंड आई एम कॉन्स्टेंटली यूजिंग दिस फॉर पास्ट लाइक एक साल से ऑलमोस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, और ऑलमोस्ट हर एक मेकअप लुक जो भी मेरी वीडियो में रही है मैं यही लगाती हूँ। तो आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन, और ये इतनी ज़्यादा लाइक अच्छी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा इसमें शेड है 128, और अगर आप लोग मेरे स्किन टोन की तरह हो तो आप लोग इस शेड को ट्राई कर सकते हो। सो अभी फाउंडेशन हो गई, तो नाउ कम्स द कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये बहुत मतलब स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आई कॉन्ट टेल यू कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, प्लस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जो कि आप इस वीडियो में फर्दर देखोगे कि क्या क्या हैं वो, तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग प्लीज़, उसको फॉरवर्ड मत करना। तो ये कंसीलर है, इट्स अ बिट डार्क फॉर मी फॉर माई स्किन, बट मैं इसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज ये इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है, और बहुत अच्छी कवरेज है इस कंसीलर की। सो डेफिनेटली चेकआउट, लेकिन प्लीज़ अपना शेड देख के आप लेना इसको। द सेकेंड ऑप्शन फॉर द कंसीलर इज दिस मेबिलीन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर, और इसकी मैं क्या ही तारीफ करूं। एवरी डे अगर आपको कंसीलर लगाना पड़ता है या आप कोई अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हो और अच्छा चाहिए आपको, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो
एंड इट कॉस्ट इट इज अ बिट प्राइसी, मतलब प्रिंट रेट 475 है फॉर, लेकिन फॉर अ कंसीलर लाइक दिस, और इट इज़ वेरी इजी टू लाइक, इसको आप ऐसे निकालो, इसको लगाओ एंड यू कैन जस्ट फिंगर्स से आप स्मज कर सकते हो इसको, स्मज मतलब अप्लाई कर सकते हो इसको एंड यू आर गुड टू गो. और ये बहुत अच्छा है गाइज, आप लोग डेफिनेटली जो ऑफिस गोइंग लेडीज हैं और जो लोग को अपने डार्क सर्कल्स को थोड़ा कंसील करने के लिए लगाना पड़ता है, तो ये बिल्कुल एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो डू ट्राई दिस वन. नाउ कम्स द कॉम्पैक्ट. तो कॉम्पैक्ट के लिए मेरे पास अगेन मेबिलीन फिट मी रेंज से है. सो दिस इज़ मैट एंड पोरलेस पाउडर और इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी नाइस फॉर डेली यूज़. तो प्लस इसके साथ इस तरीके की पैकेजिंग है और अंदर एक मिरर भी आता है, एक स्पॉन्ज भी आता है, तो मतलब आपको एक एक्स्ट्रा मिरर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अपने बैग में अगर आप ये कैरी कर रहे हो. ओके गाइज, सो एक चीज़ ये थी कि ये सब चीज़ें आप लोग इकट्ठी नहीं ले सकते हो. ऑफकोर्स अफोर्डेबल है, लेकिन आप एकदम से मेकअप पे पूरे 2,500-4,000 नहीं लगा सकते हो, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन आपको धीरे धीरे करके आप ये सब चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो और मतलब एवरीथिंग इज़ अफोर्डेबल और बहुत ईजी टू यूज़ है फॉर अ बिगिनर. तो आप लोग डेफिनेटली ये सब चीज़ें प्लीज़ ट्राई करना. अभी बारी आती है आई शेडोज़ की. तो आई शेडोज़ मिलना अंडर द रेंज ऑफ 500, वो भी पैलेट मिलना, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि लाइक पता नहीं कैसी पिगमेंटेशन होगी, क्या होगा उसमें, कि कलर्स अच्छे ग्लाइड करेंगे कि नहीं. तो आई हैव अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज, और ये भी मैंने अपने नायका हॉल में दिखाया था. वन ऑफ द गिव अवे विनर्स ऑल्सो गॉट दिस आई शेडो पैलेट एंड दिस वन इज माई गो टू पैलेट. इट इज़ फ्रॉम एल ए कलर्स डे टू नाइट आई शेडो पैलेट एंड इट लुक्स लाइक दिस. तो इसमें कुछ 12 शेड्स हैं गाइज, और 12 शेड्स में शिमरी और मैट दोनों हैं. और अब देख सकते हो इस पैलेट की मैंने क्या हालत कर दी है, इट इज़ ओवरली यूज्ड. मतलब अब एज अ बिगिनर अगर लेना चाहते हो और एवरीडे लाइक कॉलेज गोइंग के लिए आप लेना चाहते हो, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे शेड्स हैं, लाइक गोल्डन है, मोविश हैं, ब्राउनिश हैं. आप इजी नाइस स्मोकी आई भी कर सकते हो इसके साथ, जस्ट एक काजल चाहिए साथ में. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. और ये कलर्स की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. मतलब मैं क्या ही तारीफ़ करूँ इसकी. मैंने आज भी मतलब फॉर द ट्रांजिशन शेड मैंने यही यूज़ किया है, यही पैलेट यूज़ किया है. तो आप लोग मेरे ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल इज exponential.you. तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो मैंने यही पैलेट यूज़ किया है फॉर द आई शेडो एंड जस्ट लव दिस वन. पर सेकेंड ऑप्शन ऑफ आई शेडोज मेरे पास है ये मिस क्लेयर की आई शेडो. ये सिंगल आई शेडो है. तो कई बार हमें होता है कि हमें कुछ एक पर्टिकुलर कलर नहीं मिल रहा होता, मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि आई शेडो पैलेट जब मैं देख रही होती तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर कलर उस आई शेडो पैलेट में नहीं मिलता और कुछ परफेक्ट सा नहीं मिल रहा होता. तो हमेशा तो आप स्मोकी आई कर नहीं सकते, या हमेशा तो आप लाइक ब्राउन आइज नहीं कर सकते हो, तो यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स. तो आई प्रेफर बाइंग सिंगल आई शेडोज लाइक दीज एंड ये है कलर पिंक में, और इसको मैंने अपने इनर लिड्स पर आज लगाया है क्योंकि आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि ये अफोर्डेबल मेकअप भी आपके आप यूज़ करके मतलब लाइक मेकअप अच्छा दिख सकता है अफोर्डेबल से भी, आपको हमेशा हाई एंड खरीदने की जरूरत नहीं है. तो ट्राई दिस वन. मतलब द मिनट आई यूज इट फॉर लाइक पहली बार जब मैंने यूज़ किया इसको, उसके बाद आई एम हुक्ड टू इट. एंड दिस काजल इज़ बाय के ब्यूटी. ये एक रिट्रैक्टेबल काजल पेंसिल है. इट इज़ फॉर 249 रुपीज़ आई गेस. थोड़ा प्राइसी है फॉर अ काजल, लेकिन इट इज़ सच गुड क्वालिटी और स्मज प्रूफ है इतना ज़्यादा कि आप पूरा दिन लगा के रखो और आपको कोई टचअप की जरूरत नहीं, कोई स्मज नहीं होगा और बिल्कुल भी आपको लाइक यू नो बार बार काजल लगाना पड़े या काजल फैल जाता है स्वेटिंग के कारण, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. तो आप के ब्यूटी का काजल पक्का ट्राई करना. अभी अगर काजल हम लोगों का फेवरेट होता है इंडियन लड़कियों का, तो मस्कारा के बिना तो बिल्कुल ही काम नहीं चलता है, राइट? इफ यू अग्री विद मी देन कॉमेंट डाउन बिलो कि मस्कारा आप लोगों का फेवरेट है कि नहीं है.
फॉर द अफोर्डेबल मस्कारा ऑप्शन मेरे पास है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा. ट्रस्ट मी गाइज, मैं पहले वो मेबिलीन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज करती थी, लेकिन द मिनट आई स्टार्टेड यूजिंग इट, मतलब इतनी ज़्यादा लेंथ दे देता है ये आपके आई लैशेज को, और ये वाटर प्रूफ है एंड प्लस द वॉन्ड इज़ वेरी नाइस एंड तो जस्ट लव दिस वन. और इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है ये, तो डेफिनेटली चेक दिस मस्कारा आउट. गाइज अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मेरे पास है एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ इस वीडियो में. लेकिन उससे पहले गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, प्लीज़ 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 लाइक करो इस वीडियो को. तो लिक्विड आई शेडोज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है मेरे पास जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, वो है स्विस ब्यूटी. अगेन आई लव दिस ब्रांड, पता नहीं क्या है यार इनके प्रोडक्ट्स में. तो स्विस ब्यूटी की है ये लिक्विड आई शेडो, ये है शैम्पेन 03 शैम्पेन शेड में मेरे पास, एंड गाइज इट इज़ फॉर 199 रुपीज़. और आज मैंने यही लगाई है अपनी आईज पे, ट्रस्ट मी ये है अगर आपकी लाइफ में तो आपका आई मेकअप सॉर्टेड है. मतलब अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए ना, आप ग्लिटरी आई शेडो लगा लो इनर कॉर्नर से एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो और आपका आई मेकअप सुंदर ही लगेगा. अभी बारी आ जाती है कॉन्टोरिंग की. अब कॉन्टोर्स यूजुअली बड़े बड़े पैलेट्स में मिलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और हर कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप में नहीं इन्वेस्ट कर सकता. बट स्टिल अच्छा कॉन्टोर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि अफोर्डेबल है, तो मेरे पास है ये शुगर का. इसमें मेरा शेड है टॉप टॉपर एंड इट इज़ अ मिनी ब्रॉन्जर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. एज अ बिगिनर आप मिनी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, सस्ते प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, बट जो गुड क्वालिटी हैं, ताकि आपके फेस और आपके स्किन को कुछ भी गलत ना हो उसकी वजह से. मतलब यू नो फेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आप कोई ऐसी चीज़ लगा लोगे जो कि कोई एंटी मतलब एलर्जिक हो जाती है कुछ, यू नो यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई ऑन दिस ब्रॉन्जर. नाउ कम्स द ब्लश, और ब्लश के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है शुगर का ही. तो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन वेरी नाइस क्वालिटी. एंड ब्लश के लिए आई डोंट नो आप लोगों को कैसा ब्लश पसंद है, बट मुझे थोड़ा पीची काइंड ऑफ ब्लशेस पसंद आते हैं. तो मेरे पास है ये पीच पीक मिनी ब्लश. गाइज मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों को मैंने कैसे यूज़ किया और इन सब का कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन देखना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, और आप लोग वहाँ पर वीडियो में देख सकते हो IGTV पर मैंने अपलोड किया है ये मेकअप ट्यूटोरियल जिसमें मैंने ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो भी अभी मेरे पास हैं. ओके नाउ कम्स हाइलाइटर. जब मैं हाइलाइटर फॉर अफोर्डेबल रेंज देख रही थी, तो कुछ बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते हाइलाइटर्स में मैं यू नो हाइलाइटर, तो हाइलाइटर के लिए मतलब इस हाइलाइटर की मैंने जितनी तारीफें सुनी हैं, तो आई हैड टू ट्राई इट फॉर यू गाइस. तो हाइलाइटर है मेरे पास मेबिलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर एंड इट इज इन द शेड मोल्टन गोल्ड. एंड गाइस इसका इतना क्रीमी टेक्सचर है, इतना प्यारा हाइलाइटर है ये. Oh my god, seriously, invest in this one and you will never regret. अभी फेस मेकअप कंप्लीट हो गया, नाउ कम्स द लिप्स. अब लिप्स के लिए बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी लिपस्टिक्स अवेलेबल हैं, बट आई एम गोना शो यू मेरी फेवरेट, और जो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही यू नो वो एक कलर होता है जो आपका फेवरेट हो जाता है और आपकी पर्सनालिटी बन जाता है, तो दैट काइंड ऑफ लिपस्टिक्स. तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट है मेरे पास ये नायका की लिपस्टिक जो कि है टॉप थ्रिल, एंड आई हैव ऑलमोस्ट यूज्ड इट. देखो कितनी सी बुलेट बची है. तो ये मिनी वर्जन है, बट ये मेरे पास ऑलमोस्ट एक साल से है, और जब मैं ऑफिस जाती थी तो ऑलमोस्ट रोज यही लगा के जाती थी, एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट. आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक, लव इट्स फॉर्मूला, और फॉर द प्राइस पॉइंट यार इट इज़ सो लॉन्ग लास्टिंग. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन प्राइस पॉइंट देखो तो 199 रुपीज़. आई मीन
Are you kidding me? Next है मेरे पास Nykaa की ही liquid lipsticks लेकिन mini version में. Guys, मैं हमेशा prefer करती हूँ minis में invest करने का, क्योंकि पूरी full size bottle ख़त्म करनी बहुत difficult हो जाती है, क्योंकि हमारे पास already लड़कियाँ हैं तो lipsticks तो होती हैं, तो बड़ी size bottle लो फिर वो expire हो जाती है, and उससे अच्छा mini लो, ख़त्म करो, and then if you want to buy again then buy again. Next मेरे पास lipstick में options हैं Maybelline's Creamy Matte, और इसमें दो lipsticks हैं मेरे पास, और oh my god guys, इसके दो ही shades अभी तक मैंने try किए हैं, but the formula is so nice, और इतनी ज़्यादा quantity में मिलती है ये. See, अगर आप लोग bullet lipsticks use करते हो तो please try this, these are so good. इसमें मेरा एक शेड है लाइवली वॉयलेट एंड 636, एंड द अदर वन इज द मोस्ट फेमस क्रीमी मैट शेड, दैट इज न्यूड नुआंस, एंड दीज टू शेड्स आर ओ माई गॉड. आई एम वेयरिंग न्यूड नुआंस टूडे एंड आई जस्ट लव दिस शेड, बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है ये. एवरी डे लाइक ऑफिस गोइंग, एवरी डे कॉलेज गोइंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप भी नहीं लगते हो, बट येट यू लुक लाइक परफेक्ट. वो जो एक परफेक्ट शेड होता है ना, तो this one is that nude nuance. तो आप लोग definitely try and check out these and let me know in the comments कि आपको कैसे लगे ये shades. Okay guys, so this is it for today's video. कैसी लगी आपको ये video? मुझे comment section में बताओ, और इस video को like ज़रूर करना. मेरी तरफ से ये जितनी भी चीज़ें मैंने इस video में दिखाई वो सब thumbs up हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. और अगर आपको application के बारे में कुछ भी देखना है तो you know कि आपको मुझे मेरे Instagram पे follow करना है. Instagram पे मैं video आज या कल मैं upload कर दूँगी, तो go follow me on Instagram. And एक मिनट, कहाँ जा रहे हो, रुको. Yes, this video has a giveaway and the rules for the giveaway are in the description box. It is a February giveaway, जिसे January में किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ आप नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, एंड आई लव्ड इट. और पार्टिसिपेट करो गिवअवे में ज़्यादा से ज़्यादा, एंड येस, इस बार का गिवअवे रैंडम नहीं होगा, तो पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा. रूल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हर एक चीज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So, and also like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon, and I'll see you next time. Bye!